हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जियो फोन 3 के ऊपर, उसके कुछ स्पेशल फीचर और आप इसको फ्री में कैसे ले सकते हैं वो हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। और अंत में आपको स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं और इस चैनल पर हम गिव अवे में आपको फ्री में देने वाले हैं जियो फोन 3। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम आपको फ्री में गिव अवे करेंगे जियो फोन 3 का। और गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना वो हम आपको पहले बता दें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको कमेंट करना है #JioPhone3 और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक बटन जरूर से दबा देना है। जो भी इसमें चुना जाएगा गिव अवे में, जो भी विनर होगा उसको हम JioPhone3 देंगे। लेकिन उसके लिए उसका कुछ क्राइटेरिया होगा कि वो चैनल का मेंबर होना चाहिए, सब्सक्राइब करके मेंबर बना हुआ होना चाहिए और जो वीडियो को लाइक करा हुआ होना चाहिए उसी को मिलेगा JioPhone3। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर के बारे में। तो जियो की तरफ से आने वाला जियो फोन 3 पहले लाइव के साथ कोलैब करके बनाया जाता था, लेकिन अब लाइव कंपनी के साथ कोलैब करके नहीं बनाया जाएगा, अब बनाया जाएगा सैमसंग के साथ कोलैब करके। और वहीं पे हम बता दें सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है हमें फ़ोन प्रोवाइड करेगी अब जियो कंपनी। और वहीं बता दें सैमसंग के कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी स्मूथ होती है। तो वहीं बता दें इसके अंदर आपको कैमरा देखने के लिए मिलने वाला 48 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल को आपको यहाँ पे बैक कैमरा देखने के लिए मिलने वाला। वहीं हम बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो वो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफ़ी स्मूथ कैमरा होने वाला है। वहीं हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, जिसको आप धूप में भी इजीली चला सकते हैं। वहीं कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम बता दें आपको कि ये जो है पोर्ट्रेट मोड में इतनी अच्छी फोटो कैप्चर कर सकता है कि आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इसका ब्लर क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं हम बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो आपको 1500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर ही देखने को मिलेगा सैमसंग। जहाँ तक हमें लीक्स का पता लगा वहीं तक हम बता दें कि 1500 रुपये की रेंज में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं हम बात करें इसके रिचार्ज प्लान की, तो हम बता दें आपको इसमें 12 मंथ का 12 महीने का फ्री रिचार्ज आपको जियो की तरफ से दिया जाने वाला है। और हाँ, आपको बता दें ये 5G को सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये 5G को स्मार्ट सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन होगा। सैमसंग की तरफ से आने वाला काफ़ी F14 टक्कर का ये स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि काफ़ी कूल लग रही है। F14 की प्राइस मार्केट में है 16,000 रुपये। वहीं जियो इसको कोलैब करके बहुत सस्ता बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हर ग्राहक के पास, उसके हर कस्टमर के पास जियो का सिम कार्ड प्लस जियो का ही फ़ोन हो, इसलिए उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया है। और आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है। और वहीं सिंपली हम बता दें कि इसको लेने के लिए सिंपली अगर आपके पास जियो का कोई पुराना स्मार्टफोन है तो आप उसको एक्सचेंज ऑफर के जरिए भी ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी जियो स्टोर जाकर इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल है या नहीं। और अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप jio.in की वेबसाइट पर जाके वहाँ से इस चीज़ का पता कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।